हाँ जी पीयूष, इस वक्त मैं टेक्सटाइल कंपनी में मौजूद हूँ जो करेंगे इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद है, और इतना बड़ा सोलर सिस्टम लगा हुआ है, ये पूरी कंपनी इस पैनल पे पूरा अपनी कंपनी चला रही है, पूरा डाई हो या कुछ भी हो, सारी मशीनरी हो इस पे चला रही है सोलर सिस्टम पर, आप देख सकते हैं। और आपको दिखाने का मकसद ये है, लोगों ने बोला था मेरे बिजनेस विजिट करें आप सोलर सिस्टम के हवाले से, कमर्शियल नॉन कमर्शियल जो अकील भाई हैं होलसेलर उनसे हमसे कांटेक्ट करा उन्होंने, और हमने विजिट भी कराया एक कुरंगी इंडस्ट्री एरिया में, बहुत बड़ी पैनल लगा हुआ है ये देख सकते हैं, और मेरे साथ ये का पूरी तफसील आपको बताऊँगा। चलते हैं अकील भाई के पास। अकील भाई माशाल्लाह हमने इतना बड़ा सिस्टम लगा दिया, सोलर सिस्टम लगा दिया टेक्सटाइल में, इसके बारे में हमारे बीच को बताएंगे। जी जी बिल्कुल, इसका हमारी माशाल्लाह से पूरी कंपनी चली है, टेक्सटाइल कंपनी। और ये जो पैनल है ये हमारा बाईफेशियल पैनल है, जो कि 570 वॉट में कैनेडियन बाईफेशियल पैनल है ये। और इसकी सबसे बड़ी बात ये कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो भी एन टाइप है, जो कि सबसे मोस्ट एडवांस पैनल है ये। और इसमें हमारी माशाल्लाह से पूरी फैक्ट्री चल रही है, इसमें ये कोई हमारे 455 सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। ये देखिए, अगर आप नीचे से, तो ये इसका जो है ना बाईफेशियल पैनल है, ये जैसा कि ऊपर से होता है बिल्कुल सेम वैसे ही नीचे से। अगर आप ये स्ट्रक्चर भी अगर देखें, तो ये हमने पूरा पूरा स्ट्रक्चर जो है गार्डर पे डिज़ाइन किया है, और गार्डर के नीचे हमने वायर्स को ले जाने के लिए नीचे जो हमारी केबल ट्रे है, हमने वो पूरी केबल ट्रे चलाई है, ताकि कोई वायर लटकता हुआ कोई वायर एक भी नजर ना आए। तो ये पूरे कितना बड़ा सिस्टम है चला सकता है इसको ये? ये जो सिस्टम है ये हमारा 250 किलोवाट का सिस्टम है, 250 किलोवाट में इसमें हमारी पूरी फैक्ट्री चल रही है, पूरी फैक्ट्री। इसमें अभी जैसा कि हमने आपको दिखाया इसके इन्वर्टर के साथ, जो कि अभी हमारी नेट मीटरिंग क्योंकि ऑन नहीं हुई है, नेट मीटरिंग के प्रोसेस में तकरीबन भी कोई 3 महीने लगते हैं। तो उस 3 महीने को कवर करने के लिए हमने, क्योंकि बिल तो ज़्यादा आ रहा था, तो हमने क्या किया है कि इस पे जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस लगा के अपने सिस्टम को ऑन कर लिया। जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस क्या करती है कि जितना आपको रिक्वायर्ड है उतना ही जनरेट करवाती है सिर्फ। अच्छा सर, आप कमर्शियल नॉन कमर्शियल पे काम करते हैं जो घरेलू साफी ने उनके लिए भी? जी बिल्कुल, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल दोनों सिस्टम हम लगा के देते हैं, जो कि रेजिडेंशियल भी हो तो वो भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, नॉन कमर्शियल जो बेचारा जो गरीब है उसके लिए क्या है, अगर वो 1 लाख का इशू गुंजाइश हो तो 1 लाख में क्या क्या आपको उसको पूरी चीज़ें लगाएंगे? 1 लाख में आप ये कह सकते हैं कि डीसी सिस्टम लग जाता है, जो कि मैं कहता हूँ कि ज़्यादा अच्छा है वो भी। उसमें हमारे जो छोटे पैनल्स होते हैं, जो कि 170 वॉट, 180 वॉट, 200, 250 वॉट, वो जो हम लोग सोलर पैनल्स लगाते हैं छत पे, और उससे क्या करते हैं हम एक बैटरी को चार्ज करवाते हैं, और बैटरी जो है आपकी 12 वोल्ट के जो AC DC फैंस होती है, 12 वोल्ट की लाइट्स होती है, वो उसमें चल जाती हैं, जो कि वो भी तकरीबन पूरी रात पंखे लाइटों पर आराम से गुजार देते हैं। अच्छा सर, ये टेक्सटाइल कंपनी है, पूरी सारी मशीनरी इस पे चल रही है? पूरी मशीनरी इस पे चल रही है। और इसमें जो है हमारा सबसे बड़ी चीज़ ये कि इसमें जो हमारा इसका जो डाइंग मशीन है, इसके अलावा जो स्टिचिंग मशीन है, वो सब कुछ इसी पे चल रही है सोलर सिस्टम सर आए हमें विजिट करवाएं, हम सारे हमारे बीच को दिखाएं जी। इसमें क्या बिल्कुल चला रहे हैं। जी बिल्कुल, चलिए सर, अभी नीचे चलिए। चलते हैं जी। गर्मी आने वाली है और के इलेक्ट्रिक भी आपको वैसे तंग करने वाला है, और लोड शेडिंग इतनी आ रही आ रही है, और अपने अगर बिल बचाना चाहते हैं, कॉस्ट सेविंग करना चाहते हैं, देखिए सोलर का सिस्टम मौजूद है, ये देख सकते हैं 18 प्लेटें लगी हुई हैं। इसकी डिटेल में आपको बताऊंगा, मेरे साथ भी है, बड़े मजे मजे की वीडियो बनने वाली है सोलर के हवाले से, तो मेरे साथ है, मैं बिल्कुल तफसील से आपको बताता हूँ इस वीडियो में। हाँ जी, इस वक्त आकिब भाई बिल्कुल मौजूद है जो सोलर के बारे में बताएंगे, और होलसेलर डीलर है, पूरी कराची में सप्लाई भी करते हैं, तो मेरे व्यू जो व्यूज हैं स्पेशली मैं उनके लिए लाया हूँ। अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। आकिब भाई, इसके बारे में तफसील से बताएंगे हमारे व्यूज को, क्या है ये, कितने प्लेट है? जी ये 500 570 वॉट की जो ना एक पैनल है, और इसके अलावा ये जो है ना ये पैनल एन टाइप बाईफेशियल एन टाइप है ये। ये जो सोलर पैनल होता है एन टाइप की, जो सबसे ज़्यादा जो एफिशिएंसी होती है वो एन टाइप की होती है, जो कि सबसे लेटेस्ट जो ना वर्जन आया है ये। अच्छा, इसमें ये जो है इसमें कितनी फ्लोर चल सकते हैं? इसमें डिपेंड तो वैसे लोड करता है कि लोड कितने किलोवाट का आपका लोड है, और उसमें आपने क्या क्या चलाना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से सिस्टम डिज़ाइन होता है। अच्छा सर, ये 18 प्लेटें लगी हुई हैं, सही है, इसमें कितना लोड चल रहा है इस घर में, हम आप बता सकें? बेसिकली ये जो सोलर पैनल्स हैं ये 10 किलोवाट के सोलर पैनल्स हैं, इस पर 8 किलोवाट का इन्वर्टर लगा हुआ है, तो ठीक है। इसमें आपका जो है 2 AC आपके जो 1.5 टन के AC होते हैं वो इजीली चल सकते हैं इस पे। और इसके अलावा जैसे आपके वॉशिंग मशीन हो जाती है घर के, आमतौर पर पंखे हो जाते हैं, पंखे लाइट आराम से चल सकते हैं इस पे। अच्छा आके भाई, ये बताएं ये प्लेटें लगाने से क्या फर्क पड़ा, क्या इलेक्ट्रिक का बिल कितना आता था और अब बिल कितना आता है, और क्या फायदे होंगे आवाम को? सबसे पहले तो ये कि जहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो बिल 50,000 रुपये का आ रहा था, वो अभी सीधा सीधा 5,000 रुपये का। नहीं करो यार, 5,000 रुपये का, 500 रुपये का बिल? जी बिल्कुल भाई, पक्की बात है, जी 5,000 रुपये का? 5,000। अरे भाई मेरे जो 500 रुपये का बिल यार, जो मेरे भाई, जो मेरी बहन भाई लोग जो परेशान है इलेक्ट्रिक से, बिजली की लोड शेडिंग से, इन्होंने जो सिस्टम लगाया है, और ये होलसेलर भी है,
और इनसे मैं कांटेक्ट नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, इनसे पूछूंगा पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। 18 प्लेटें लगाई है इनके, जो इस घर पे जो लगाया है इनको हमने विजिट कराया है, 3 फ्लोर पे मुस्तकिल है, और ये इनका जो लोड है 2 AC है, फ्रिज है, 3 फ्लोर पे फैमिली रह सकती है, आप बता सकते हैं कितना लोड है। और इसके अलावा ये 50,000 का बिल आता था, और स्पेशली मेरे को बुलाया गया, विजिट करवाया गया, 50,000 का बिल आता था। आपके इलेक्ट्रिक का बिल 5,000 रुपये का आता है यार, 5,000 रुपये का, मैं तो देख के शॉक हो गया, 5,000 का 3 फ्लोर पे यार। आकिब भाई और इसके अलावा क्या फैसिलिटीज हो सकती है इसमें? हमारे पास बेसिकली सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं लोड को देखते हुए, और इसमें होता ही है कि इनका जो लोड है अभी बेसिकली चल रहा है 24 घंटे पे। 24 घंटे से मुराद ये कि सोलर जो है आपका एनी टाइम प्रोड्यूस करता रहता है दिन के टाइम में, फिर उसके बाद जो इनका घर आ जाता है बैटरीज पे। ओके, और वो पूरी रात यानी कि सोलर जो सुबह से स्टार्ट हो गया वो इनका शाम तक काम करता है, फिर उसके बाद जो है बैटरीज पे मूव ऑन कर जाते हैं। अच्छा ये बताएं, ये एक दो प्लेटें, 3 प्लेटें जिनको लगवानी है, 6 प्लेटें घर वाले, वो भी आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे छोटे सिस्टम भी हैं। इसके अलावा 1 किलोवाट से स्टार्ट है, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट। अच्छा, 1 किलोवाट का कितने का सिस्टम मिल जाएगा अगर कोई लगवाना चाहे, 1 किलो 2 किलो का सिस्टम आपसे बोले भाई हम इतना लगवाना चाहते हैं, तो कितना पैसे लगेंगे उसमें? 1 किलोवाट पे जो अच्छी क्वालिटी के अंदर अगर आप इन्वर्टर लगवाते हैं, अच्छी प्लेटें लगवाते हैं, तो उसमें तकरीबन भी कोई 2 लाख रुपए तक की कॉस्ट आ जाती है। 2 लाख की? 2 लाख की लाइफ टाइम कॉस्ट है ये? लाइफ टाइम कॉस्ट है, इसके अंदर कोई मेंटेनेंस नहीं है, इसके अंदर कोई कुछ कुछ भी मतलब कोई दूसरा काम नहीं करना होता है, यानी कि इससे कम भी कॉस्ट आ सकती है। अब वो लेकिन डिपेंड करती है क्वालिटी, करने को आप वो 1 लाख रुपए के अंदर भी काम कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटी डिपेंड करती है, ये जो क्वालिटी है ये सबसे डिफरेंट क्वालिटी होती है। अच्छा आपने ये तो दिखा दी है, अब जो मेन बैटरियां लगी हुई है, बैटरियां जो लगी हुई है वहाँ चलते हैं, वहाँ आप मुझे दिखाएं कि कितनी बैटरियां लगी हुई है, क्या है, हमारे व्यूज देखना चाहते हैं भाई, इसका सिस्टम कैसे चलता है। चले आगे भाई, चले आगे चलते हैं। सर अभी आपको दिखाया हमने, और इसके बाद ये अभी नीचे से इसका व्यू है जो कि हमारे सोलर पैनल्स लगे हुए, और ये सारा का सारा स्ट्रक्चर है जो कि गार्टर पे डिज़ाइन हुआ है, गार्टर और पाइप पे। इसके अलावा इसमें हमने सपोर्ट्स के लिए एंगल इस्तेमाल किया है, और ये बाकी का हमारा पूरा स्ट्रक्चर है। प्लेटें ऐड कर सकते हैं इसमें जो खाली जगह छोड़ी हुई आपने? अभी हमारे इन्वर्टर के हिसाब से जो है ना, ये हमने मैक्सिमम सोलर पैनल्स लगाए, जो कि हमारा 8 किलोवाट का इन्वर्टर है और 10 किलोवाट के इसके ऊपर सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, ये मैक्सिमम है अभी। अच्छा आगे भाई जरा आगे दिखाएं बैटरी का, इसका लोड दिखाएं हमें। जी बिल्कुल, ये हमारा नाइट्रो सीरीज का इन्वर्टर है, इन्वर्टर का, जो कि टॉप ऑफ द लाइन इन्वर्टर है, टॉप ऑफ द लाइन, जिसमें कि कोई एंटी डस्ट फिल्टर्स वगैरह कुछ भी नहीं होता, ये इसमें ना कोई मेंटेनेंस है, कुछ भी नहीं है। इसके अलावा ये सबसे बड़ी चीज़ एक ये भी है कि ये एनी टाइम आपको जो मोबाइल पर स्टेटस भी देता रहता है कि क्या आपने क्या कितना टाइम अभी हमारा लोड चल रहा है और क्या प्रोडक्शन हो रही है। इसके अलावा ये हमारी बैटरीज हैं 4, इसमें हमने बैटरीज यूज़ करी है, 220 एम्पेयर आवर की एक बैटरी है। 220 एम्पेयर की बैटरी? जी 220 एम्पेयर आवर की एक बैटरी है। ठीक है, तो ये भी इसमें अंदर आप जो बता रहे हैं, तो जो सेविंग बता रहे हैं 2 लाख रुपए में जो 1 किलो वाट का लगेगा सिस्टम, उसमें कितनी बैटरी रिक्वायर्ड है? उसमें हमारे पास एक बैटरी रिक्वायर्ड होती है 1 किलो वाट में, और उसके बाद 2 किलो वाट होता है तो फिर उसमें 2 बैटरी। अच्छा इसमें कोई डर नहीं है, कोई मतलब कोई खतरा वतरा नहीं है? नहीं खतरा इसमें कुछ नहीं है, इसमें हमारे सारे सेफ्टी ब्रेकर्स वगैरह लगे हुए हैं, अगर अल्लाह ना करे कोई मसला होता है तो ये हमारे सेफ्टी ब्रेकर्स हैं, जो कि इंश्योर्ड अगर कोई मसला होने पर, क्योंकि वापसी बंद भी जाते हैं। अच्छा ये ऑटोमेटिक ट्रिप हो? जी बिल्कुल ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाते हैं, और बिल्कुल इसमें हमारे जो ब्रेकर्स हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, हैमल के ब्रेकर्स होते हैं हमारे, एसी वोल्टेजेस के लिए, डीसी वोल्टेजेस के लिए हमारे पास शनाइडर यूज करते हैं, जो कि टॉप ऑफ द लाइन जो है ब्रेकर्स होते हैं। तो आप हमारे व्यूज को क्या बताना चाहिए कि किस पहले सोलर पर आए, जो अभी लोड शेडिंग चल रही है, कराची में जो हालत चल रही है, आपको पैसे बढ़ाई जा रही है दिन ब दिन? लेकिन दिन ब दिन पैसे यकीनी तौर पर बढ़ते रहने, और लोड शेडिंग सबसे बड़ी चीज़ है, लोड शेडिंग जो कि ज़हनी अजियत है, और मैं कहता हूँ कि उससे जांच बढ़ाएं, सोलर सिस्टम लगाएं, ताकि आपकी जो है एनर्जी सेविंग भी होते रहे और आप ज़हनी तैयार भी रहेंगे, यानी हमने कोई टेंशन नहीं है। अच्छा हमारे जो व्यूज हैं उनको बताएं कि आप आपके इलेक्ट्रिक की कितनी सेविंग कर सकते हैं, बिजली का कितना बिल सेव कर सकते हैं इससे लगाने से? इसमें लगाने से सीधा सीधा आपका जो बिल है वो बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाता है, जो कि डिपेंड करता है आपकी सोलर स्ट्रक्चर पे, और इसके अलावा सोलर सिस्टम पे, और इस हमारी बैटरीज पे। तो हम इसको सोलर सिस्टम को इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं जो कि 24/7 जो है आपका सिस्टम काम करता रहता है, इवन के ये बारिश के टाइम में भी 40% 50% एफिशिएंसी पे काम करता है। अच्छा आपके कोई अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताएं हमारे व्यूज को, और अपने डिस्क्रिप्शन बताएं, अपनी लोकेशन बताएं, जहाँ आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप किन किन पे कमर्शियल और जो घरेलू सामने उनके लिए भी काम करते हैं, बहुत सेलर हैं माशाल्लाह, कराची कितने पर है? जी माशाल्लाह है, हमारा जो है कोरंगी 4-4 नंबर पे जो है, हमारा कोरंगी 4 नंबर पे HBL बैंक के बिल्कुल नियरेस्ट हमारा ऑफिस है, और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 03444-27444-887।
तो आपसे मतलब जो कमर्शियल और नॉन कमर्शियल वाले भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारा रेजिडेंशियल भी है और इसके अलावा जो हमारी कमर्शियल जो सिस्टम्स हैं हमारे काफी बड़े हैं वो भी लगते हैं। अच्छा, तो ये देखिए भाई व्यूज अभी मौजूद थे सोलर सिस्टम के हवाले से, जो मेरे व्यूज ने बोला था भाई हम सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं, हमको पता गर्मी आने वाली है, तो ये पूरा सिस्टम लगा हुआ है और इनफ्लिक्स का बिल्कुल इन्वर्टर लगा हुआ है, तो बिल्कुल ये कौन सा सोलर जो लिखा आपने? जो ये इन्वर्स का इन्वर्टर है, इन्वर्स का नेटवर्क सीरीज का इन्वर्टर है ये, जो कि टॉप ऑफ द लाइन इन्वर्टर है, यानी कि इसमें कोई हमारे पास फिल्टर्स नहीं होते, पीछे हमारे पास इसमें हीट सिंक लगी होती है। ओके, इसमें कोई जो ना इसकी सबसे ज्यादा लाइफ होती है। अच्छा, सबसे ज्यादा लाइफ होती है, सबसे ज्यादा लाइफ। तो ये सिस्टम आप पूरा फिट करके देते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, ये सब आपने फिट किया है? ये सारे हम सारी चीजें जो है आपको लगा के भी देते हैं, और इसके अलावा सारी चीजों के हमारी आफ्टर सेल सर्विस वारंटी भी होती है। अच्छा, बैटरी ये मोटर फॉर्म है या लिक्विड फॉर्म? ये डीप साइकिल लीड एसिड बैटरी है, इसके अंदर सब में एसिड होता है, एसिड के लिए हमारा लेवल लगा होता है। ओके, तो ये डायवो की बैटरी है? जी बिल्कुल, ये डायवो की बैटरी है और 220 एम्पीयर आवर की एक बैटरी है। अच्छा, तो इसकी गारंटी सर्विस वगैरह के हवाले से बताए, सर्विस कितनी देते हैं आप हर साल देते हैं सर्विस के हवाले से? इन्वर्टर की अगर हम बात करें तो 5 साल की इन्वर्टर की वारंटी होती है, जो कि एनी टाइम वो सारी चीज़ें आपको ये देता भी रहता है। इसके अलावा 1 साल की इसकी बैटरी की वारंटी, बाकी तमाम बैटरी 6 महीने की वारंटी दे रही है। इसके अलावा इसकी जो वारंटी 1 साल की है। जी, इसके 1 साल की, और जो हमारी आफ्टर सेल वारंटी होती है वो 6 महीने की होती है। अगर कोई भी मसला आता है, कुछ भी होता है, तो वो आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें 3 महीने के अंदर करके देते हैं। उस सीरीज के जो इन्वर्टर्स होते हैं उस पर इस तरीके से आते हैं। ये ऑनलाइन है? जी बिल्कुल, ये ऑनलाइन है। अभी की ये प्रोडक्शन बता रहा है कि 850 वॉट की जो है प्रोडक्शन हो रही है। ऑनलाइन बता रहा है? जी बिल्कुल, एनी टाइम आपको ये स्टेटस देते रहता है, बाकी का मंथली डेली क्या। अच्छा, ये बता भी रहा है कि कितना यूज कर रहे हैं आप, कितना रह गया, ये बैकअप में सब बता रहा है। जो रेड वाला ये हमारा कंजम्पशन है, और इसके अलावा जो ब्लू वाली है उसकी प्रोडक्शन है। 2024 का लेटेस्ट मॉडल है, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही। तो मतलब ये हमारे व्यूज के अवेयरनेस के लिए है, क्योंकि मोबाइल में भी पता चल रहा होता है, आप घर बैठे भी क्या ऑफिस में बैठकर भी आप यूज कर सकते हैं इसको, कितना यूज हो गया, कितनी कंडीशन रह गई, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, बेहतरीन हो गया यार अपना अखिल भाई, ये तो आप छा गए यार तकरीबन। और आप क्या मैसेज कर देंगे हमारे सोलर सिस्टम लगाएं और अपने बिल को कम से कम करें? मैं आपको सब पूरी मैंने अवेयरनेस बताई अखिल भाई को, जो मेरे लोगों को नहीं पता कि सोलर सिस्टम होता क्या, चलता कैसे, तो मैं बड़ा शौक रहा, मेरे जो व्यूज थे उन्होंने पूछा भाई, जहाँ मैंने विजिट करवाया उन्होंने, तो वहाँ जो ये 3 घर जो फ्लोर है, 3 फ्लोर पे मुस्तकिल है, जो इनका बिल आता था 50,000 रुपये आता था, अब इन्होंने 5,000 रुपये का बिल आ रहा है ये सिस्टम लगाने के बाद। ये सिस्टम देख सकते हैं, सारा सिस्टम लगा हुआ है। तो अखिल भाई उनसे पूछा तो ये पूरा सिस्टम लगा के देंगे, सिर्फ आप एक कॉल करें, विजिट करवाएं और के इलेक्ट्रिक की जो लॉस छोटी थी उससे छछवाड़ा छुटकाएं और बिल को अपना कम से कम करें। और सबसे लेटेस्ट मॉडल ये है 2024 की नई टेक्नोलॉजी कि आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं कि कितनी आपने सोलर यूज करा, कितनी आपकी रह गई है कैपेसिटी और कितना क्या क्या चला सकते हैं। तो सबसे लेटेस्ट मॉडल में सबसे पहले मैं लेके आ रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, तो मेरे यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का बटन जरूर दबाएं, जब हमें आने वाला तमाम नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस पर जरूर कमेंट्स करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। और ये देखें पूरा सिस्टम लगा, मैंने आपको पूरा विजिट भी कराया है। इसके साथ मुझे इजाजत दी है, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद। अभी आपको ऊपर विजिट कराया सोलर पैनल्स का, वो उसके लिए इन्वर्टर से यहाँ पे लगे हैं, और ये 110 किलोवाट का एक इन्वर्टर है, नाइट्रोक सीरीज का इन्वर्टर है ये, और जो कि 110 किलोवाट का एक इन्वर्टर है, और ये हमारे पास लगे हुए दो इन्वर्टर। तो ये जो टोटल सिस्टम है 250 किलोवाट के हमारे सोलर पैनल्स है, और 220 किलोवाट का जो ये हमारे इन्वर्टर है। और इसमें अब हमने एक जीरोक्स पर डिवाइस लगा के इसको हमने फिलहाल ऑन कर लिया है, ताकि जब तक नेट मीटरिंग के हमारे मामले आते हैं, 3 महीने का इसका प्रोसेस होता है, तो वो जब तक नहीं होता है जब तक हमने इसको अपने यूज में लेना है। अच्छा, ये पूरी टेक्सटाइल कंपनी को चला रहा है? ये पूरी टेक्सटाइल कंपनी चल रही है, इससे हमारे जो बॉयलर हो जाता है, हमारे जो डाइंग मशीन हो जाती है, स्टिचिंग मशीन हो जाती है, ये पूरी जो हमारी टेक्सटाइल कंपनी है इससे वो चल रही है। इसमें मेंटेनेंस कोई मेंटेनेंस नहीं है, इसमें तो सिर्फ एक ही मेंटेनेंस है, वो है कि आपने 15 दिन बाद इसके जो सोलर पैनल्स है वो भी वॉश करवाने हैं, लेकिन वो भी जगह के ऊपर डिपेंड करता है, कहीं डस्ट कम होती है तो वो आप 1 महीने में एक दफ़ा करवा लेते हैं, और कहीं ज़्यादा होती है तो वो 1 महीने में दो दफ़ा। ये हमारा PF पावर फैक्टर है, जो कि कंपनी का अपना है, जो कि पावर जो रिएक्टिव पावर होती है उसको सही करने के लिए होता है, ये एक्टिव पावर में कन्वर्ट करने के लिए।
जी, इसमें सबसे बड़ा फायदा कि कॉस्ट है, इसमें जो हमारा जो बिल है, बिल ना होने के बिल्कुल बराबर हो जाता है, जो कि मैं कहूँगा कि जीरो ही हो जाता है, और जीरो हो जाना बड़ी बात है। जी ये देखें आप, पैनल सोलर सिस्टम पूरा इस रूम में आपको दिखा रहा हूँ, और इसके बारे में मैं आपको पूरा तफसील से बताऊँगा। ये बहुत बड़ा पैनल सिस्टम है जो कंपनी में टेक्सटाइल कंपनी पे लगा हुआ हुआ है। ओके थैंक यू अर्जुन भाई, हमारे अर्जुन भाई के बिल्कुल होलसेलर है, और अपना सोलर की जो मेरे व्यूज लगवाना जाना चाहते हैं 1 KV, 2 KV, 3 KV, तो इनसे रुजू कर सकते हैं। इनका कॉन्टेक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा और इनकी लोकेशन भी बताऊंगा। तो इसके साथ हमें याद ही हमारे मेरी वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, और मेरी वीडियो को लाइक भी करें, और मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो शेयरिंग ज़्यादा करें, और कमेंट्स में बताएं कि मेरी वीडियो कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयरिंग करें, और मेरे हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और इसके साथ ये याद नहीं है वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयरिंग जरूर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।